थोड़ी लाज शर्म या थोड़ी पर्दादारी जो मीडिया ने अब तक रखी हुई थी, खास तौर पर देश के सो कॉल्ड सर्वश्रेष्ठ चैनल ने रखी हुई थी, उनके एंकरों ने रखी हुई थी, अब वो भी खत्म हो चुकी है। इसीलिए आज मैं सवाल उठा रही हूँ कि क्या ये पूछेंगे सवाल। दोस्तों, कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर रहा था, बता रहा था देश को कि 7 चरणों में चुनाव होगा, देश में चुनाव को लेकर क्या मुद्दे होंगे, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार को लेकर क्या क्या जनता के बीच सवाल रहे होंगे, ठीक उसी वक्त इंडिया टुडे यानी कि आज तक का जो ग्रुप है इंडिया टुडे, वहां पीएम मोदी बोल रहे थे। और पीएम मोदी जब इंडिया टुडे में मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या बोला और उसके बाद वहां की मालकिन ने, वहां के संपादक ने क्या क्या बोला, वो सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। दोस्तों, ये तस्वीर जो पीएम मोदी ने एंकर्स के साथ खिंचाई आज तक और इंडिया टुडे के, इसमें आप देखिए गौर से, कुछ मेल एंकर्स हैं जो आज तक में एंकरिंग करते हैं और खास तौर पर जो आज तक की स्टार फीमेल एंकर्स हैं, महिला एंकर्स हैं, उनके साथ पीएम मोदी फोटो खिंचा रहे हैं। पीएम मोदी बीच में बैठे हुए हैं और इस फोटो को देखकर पता चल जाता है कि आज तक में किस एंकर की क्या पोजिशन है, क्या हायरार्की है। देखिए दोस्तों, बीच में मोदी जी बैठे हुए हैं और उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं अंजना ओम कश्यप और दूसरी साइड बैठी हुई हैं श्वेता सिंह और श्वेता सिंह के बगल में बैठी हुई हैं चित्रा त्रिपाठी। इस पूरे फोटो फ्रेम में आपको आज तक के तमाम बड़े एंकर्स दिख जाएंगे और ये शक या फिर ये किसी भी तरह का सवाल भी खत्म हो जाएगा कि ये लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। जो मोदी जी के साथ बगल में बैठकर फोटो खिंचाकर इतने निहाल हैं, वो क्या मोदी जी से सवाल पूछेंगे। आप देखिए दोस्तों इस तस्वीर को गौर से, इस तस्वीर में देख के ऐसा लग रहा है कि अंजना को या तो पीएम मोदी ने कुछ बोला या मोदी जी को अंजना ने कुछ बोला, क्योंकि दोनों मुस्कुरा रहे हैं और हो सकता है कि पीएम मोदी ने कोई बात बोली हो, क्योंकि सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। आखिर चित्रा, श्वेता और अंजना के चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों थी, इसका जवाब भी चित्रा त्रिपाठी ने खुद ही दे दिया आज सुबह ये वीडियो शेयर करते हुए, जिसमें सारे एंकर्स के साथ पीएम मोदी की तस्वीर ली जा रही है और तस्वीर लेने वाले पीएम मोदी से मजाक कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमें सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है। लेकिन इस पूरे फोटो फ्रेम में दोस्तों जो देखने लायक मुस्कुराहट थी, वो थी चित्रा त्रिपाठी की। मैं गौर से इस मुस्कुराहट का विश्लेषण करूं तो मेरे पास शब्द नहीं, इससे खुलकर हंसी कोई क्या हंस सकता है। अब आप देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जिस तरह से निहाल दिख रही हैं, जितनी प्रफुल्लित दिख रही हैं, जितना उनके चेहरे पर फैन फॉलोइंग वाला एक एक्सप्रेशन आ रहा है मोदी जी को लेकर, मोदी जी के अपने साथ फोटो ये लोग खिंचा रहे हैं, आप मतलब वाकई हम कैसे भी उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि ये लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि पीएम मोदी आपके कार्यक्रम में आए, आपने उनसे क्या पूछा, उन्होंने आपको क्या बताया, उसका विश्लेषण तो अलग गया। जब पत्रकार सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो फ्रेम में आकर इस कदर निहाल हो रहे और उसके बाद उस फोटो को शेयर कर रहे हैं, बचा क्या फिर। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब इंडियन एक्सप्रेस के मालिक को एक बड़े नेता ने कह दिया था कि आपके रिपोर्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जानते हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने उस रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर सरकार आपकी तारीफ कर रही है, किसी पत्रकार की अगर सरकार तारीफ कर रही है तो उसके काम में खोट है। और यहाँ आप देख लीजिए दोस्तों, न्यूज रूम में जितने भी अंग्रेजी और हिंदी के एंकर हैं, सबको बिठाकर मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाई जा रही है और उस फोटो को उसके बाद शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ऑफिस में पीएम मोदी आए हैं तो फोटो तो खिंचवाई जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि फोटो खिंचवाई जा चुकी है तो उसको फोटो फ्रेम भी ऑफिस में लगवाया जाएगा क्या? और जिस दफ्तर में ऐसे फोटो फ्रेम हो सकते हैं जहाँ मोदी जी बीच में बैठे हैं और तमाम बड़े हिंदी और अंग्रेजी के एंकर उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, आप उस ऑफिस में, उस पत्रकारिता के दफ्तर में निष्पक्षता के कौन से मापदंड तय करेंगे? भाई ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी के साथ किसी ने फोटो खिंचवा ली, मैंने तो नहीं देखा राहुल गांधी के साथ अंजना ओम कश्यप को या चित्रा त्रिपाठी को या श्वेता सिंह को फोटो खिंचवाते हुए। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, इससे पहले भी तमाम प्रधानमंत्री इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जाते रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ भी इस तरह से फोटो खिंचवाई जाती थी क्या, और उनके साथ भी फोटो खिंचवाकर एंकर इतने निहाल दिखते थे क्या, और एंकर इतने निहाल दिखते थे बल्कि उस फोटो को शेयर भी करते थे क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जब देश के मेनस्ट्रीम मीडिया के बड़े चेहरे, बड़े एंकर मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाकर निहाल दिख रहे हैं, चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है कि इससे ज्यादा
तो कोई हंस नहीं सकता। जो कैलिबर होता है ना चेहरे पर मुस्कुराहट का, ये मैक्सिमम है। दोस्तों क्या आपको ये ठीक लगता है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े चैनल में प्रधानमंत्री मोदी उन एंकर्स के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और फिर वो एंकर्स उस फोटो को शेयर कर रही हैं, ये किस लिहाज से सही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम किसी के साथ फोटो खिंचवा कर उसका फ्रेम नहीं करवाने वाले।